डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि उसका डायग्राम देखने जा रहे हैं बच्चों। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो पहले ये हमारा इस तरह से चल ले रहे हैं, ये स्टैंड हो गया, इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो इधर हमारा ये गैस बर्नर हो जाएगा, इधर हम लोग बर्नर बना लेते हैं, जो कि हमारा बर्नर हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम गंदा बनेगा बच्चों, ये बर्नर का ये तार हो गया, और इस तरह से जो कि एक ट्यूब लेंगे, ये ट्यूब होगा, इसको स्टैंड बना रहे बच्चों। तो ये बर्नर कोक यहाँ पे होगा, पहले हम लोग साथ में लेबलिंग भी, ये बर्नर हो गया, ये हमारा बर्नर, और ये जो कि कोक हो गया बच्चों, ये कोक हो गया, और ये जो कि बॉइलिंग ट्यूब हो जाएगा, BOIL बॉइलिंग ट्यूब, और इस तरह से स्टैंड, ये अपना स्टैंड होगा, इस तरह से पकड़ा हुआ है, और इस तरह से ये स्टैंड बन गया। और आगे यहाँ पे ये हमारा इस तरह से ट्यूब गया होगा, आगे ट्यूब जाकर ये इसके अंदर जाएगा कोक हीट करके, और धीरे धीरे ये यहाँ पे जमा होते जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा ट्यूब है बच्चों, ये इस तरह सा एक ये अपना घड़ा टाइप का हो गया, जैसे ये इस तरह से, और इस तरह से यहाँ पे जो कि एमोनिया लिक्वायर है वो यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। यहीं पे सबसे नीचे वाला कोल टार हो जाएगा, सबसे नीचे वाला लेयर, और इस तरह से कोल गैस निकला होगा इसी में से, जो कि एक और ट्यूब होगा यहाँ पे, ये इस तरह से कोल, इसमें से कोल गैस निकलेगा इधर से, और ये हमारा कोनिकल फ्लास्क हो गया, और ये नीचे वाला जो कि कोल टार इकट्ठा हो रहा है बच्चों, कोल टार, और ये अपना ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला ये अपना ये अमोनिया लिक्वायर हो जाएगा, अमोनिया लिक्वायर, और ये कोल गैस हो गया, और ये तो स्टैंड है, ट्राइपोड स्टैंड बोलते हैं, और ये बर्नर हो गया, इसको ट्राइपोड स्टैंड बोल सकते हैं, बॉइलिंग ट्यूब हो गया, ये यहाँ पे कोक है, और ये बर्नर हो गया, इधर से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये बर्नर हो गया, और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसी का हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा, तो इसी में हम लोग लिख लेते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में। तो डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, तो इसमें क्या जो कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पे मिलता रहता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस
ऑफ एयर के एब्सेंस में स्ट्रॉन्ग, इसीलिए एब्सेंस, इसको हम लोग इट्स कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। और इसी में हम लोग ये डिस्ट्रक्टिव, और इसमें आगे एस एपरेटस, जो कि एपरेटस अरेंज्ड होगा, एपरेटस अरेंज्ड एज सोन, जैसे ऊपर हमने देखा है, जो इसी तरह से एपरेटस है जो अरेंज्ड होगा इन द फिगर, इन द फिगर। तो एपरेटस किसको बोलते हैं, ये जो बच्चों ये सामान है उसको हम लोग एपरेटस बोलते हैं। इन द फिगर व्हेन व्हेन कोलिज स्ट्रॉन्गली, व्हेन कोलिज स्ट्रॉन्गली हीटेड देन कोल गैस कोल्ड आर ऑब्टेंड, और व्हेन कोलिज स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली हीटेड देन कोल गैस एंड कोल टार आर ऑब्टेंड, कोल टार आर ऑब्टेंड इन कोनिकल फ्लास्क, इन कोनिकल फ्लास्क एंड रेसी ड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब कॉल्ड, कोक बोलते हैं, जो रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब है, रेसिड्यू ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसको हम लोग कोक, यहाँ कोक है उसको कोक बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स के बारे में देखते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसका जो डायग्राम था और ये भी देख लिया, तो आगे हम लोग जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स है उसके बारे में देखते हैं। तो ड्रैग्स क्या होता है वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे अब। और ये हमारा लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और जो एक दो पॉइंट बचेगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में, एक और लास्ट लेक्चर बता दूंगा बच्चों जो छूटा हो वो। तो आगे हम लोग जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रैग्स, जो कि ड्रैग्स में कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में। तो इसमें हम लोग जो फैक्टर्स होता है ड्रैग्स को अफेक्ट करता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो, जो कि स्पीड होता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूल हो जाएगा, FLEV फ्यूल के। और सेकेंड इसमें जो कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रैग्स में, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा शेप होना चाहिए। थर्ड नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट का कैसा नेचर है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर। तो फैक्टर इफेक्ट ड्रैग्स के लिए तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फ्यूल के, FLEV फ्यूल के रिस्पेक्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्यूल के रिस्पेक्ट में। और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पर अफेक्ट करता है, और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर, और ये हो गया। और स्ट्रीम लाइन शेप हम लोग देख लेते हैं, ये फैक्टर अफेक्टिंग ड्रैग्स के बारे में। अब हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप के बारे में लिख लेते हैं कुछ। तो स्ट्रीम लाइन शेप, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दी सिमेट्रिकल शेप होता है, जो सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी का, विच ऑफर्स
लिस्ट रेसिस्टेंस ड्यू टू, ये ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन ये बुक में दिया हुआ है, इसलिए बच्चों हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, कभी एग्जाम में आ जाए तो। कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइंड शेप बोलते हैं, तो स्ट्रीम लाइंड शेप क्या, जो सिमेट्रिकल शेप होता है बॉडी का, जो ऑफर करता है लिस्ट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो कि लिस्ट ड्यू किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइंड शेप बोलते हैं। और आगे हम एक क्वेश्चन टाइप में